हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट क्लासेस। इस वीडियो में जो है हम लोग जो बाल विकास के बारे में पढ़े हैं उसके बारे में जो है प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि प्रश्नों की प्रकृति समझ सके। और यहाँ पर जो प्रश्न दिए जा रहे हैं वे सभी प्रश्न जो है विभिन्न परीक्षाओं जो है टैट के जैसे जो एग्ज़ाम होते हैं उन परीक्षाओं में पूछा गया है, जिससे कि आप प्रश्नों की प्रकृति को बहुत ही आसानी से समझ सकिएगा और इसके अनुसार जो है अपने तैयारी को अच्छी तरह से कर पाइएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए। और इससे पहले जो है दो वीडियो जो है इस पर दिया जा चुका है और इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सभी जो है बाल विकास से संबंधित हैं, जिसको कि पढ़ाया जा चुका है। इसमें जो प्रश्न है कि किशोर अवस्था की मुख्य विशेषताएँ निम्न में से है। किशोर अवस्था का जो है मुख्य विशेषता क्या है? इसमें ऑप्शन है ए आत्मगौरव, बी रचनात्मक, सी सामाजिक प्रवृत्ति, डी आत्म चेतना। तो किशोरावस्था में जो है सबसे मुख्य जो विशेषता होती है वो होता है आत्मगौरव का, जो है किशोरावस्था में जो है ये होता है। इसके बाद है विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएँ और योग्यताएँ प्रस्तुति करता है, यह कथन जो है किसका है? तो विकास जो है व्यक्ति में जो है नया नया विशेषता और योग्यताएं जो है उसके अंदर में लाता है, तो ये कथन जो है किसका है? तो ऑप्शन ए है हार्लॉक, ऑप्शन बी है जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन सी है मैकडूगल, ऑप्शन डी है मुनरा। तो इसका जो ऑप्शन ए जो है हार्लॉक ने ही जो है इस कथन को दिया था। जिस व्यक्ति से मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वो प्रक्रिया कौन सी है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो है ए समाजीकरण, बी है भाषा विकास, सी है व्यक्तिक मूल्य और डी है सामाजिक परिपक्वता। तो इसमें जो है समाजीकरण जो है ये व्यक्ति मानव के परस्पर निर्भर होकर जो है व्यवहार करना सीखता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, उसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? ये कथन जो है ऑप्शन ए है जॉन एंड सिम्पसन, ऑप्शन बी है गैसल, ऑप्शन सी है स्टेनली हॉल और ऑप्शन डी है गॉडफ्रे। इसका जो ऑप्शन सी है ये सही है, स्टेनली हॉल ने जो है ये कथन दिया था। इसके बाद है कि किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। ऑप्शन ए है शारीरिक, ऑप्शन बी है मानसिक, ऑप्शन सी है बौद्धिक, ऑप्शन डी है शारीरिक और मनः स्थिति। इसका जो ऑप्शन डी है ये सही है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाला कौन था? तो ऑप्शन ए है हैडो रिपोर्टर, ऑप्शन बी है जीन प्याजे, ऑप्शन सी है फ्रेडरिक ट्रेसी, ऑप्शन डी है ई एल पिल। तो ये जो परिभाषा दिया है ये जीन प्याजे के द्वारा जो है दिया गया है। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता है वह है? ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी है शिक्षण विधि, ऑप्शन सी है विषय वस्तु का चयन, ऑप्शन डी है शारीरिक विकास। तो ये जो है शारीरिक विकास है जिसका कि एक शिक्षक जो है शिक्षार्थी के मानसिक विकास या ज्ञान प्राप्ति जो है प्राप्त करके योजना नहीं बना सकता है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, ऑप्शन बी है स्मृति का विकास से, ऑप्शन सी है तर्क एवं निर्णय, ऑप्शन डी है अवबोध की क्षमता। तो इसमें ऑप्शन ए जो है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई का जो है मानसिक विकास से संबंध नहीं है। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी है सहानुभूति, ऑप्शन सी है
लालच, ऑप्शन डी है जिम्मेवारियां उठाने के अवसर। इसमें जो है लालच जो है किशोरों को नहीं देना चाहिए। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है, ऑप्शन ए है शैशव अवस्था में, ऑप्शन बी है बाल अवस्था में, ऑप्शन सी है किशोरावस्था के बाद, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था में। तो जो मानव के शरीर में जो है हड्डियों की संख्या कम होती है वो होता है प्रौढ़ा अवस्था में। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है, ठीक ना? इसका ऑप्शन ए है शिक्षण, ऑप्शन बी है अधिगम, ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी है निर्देश। इसमें जो है अधिगम जो है प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है, ठीक। इसके बाद है अगला प्रश्न कि एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकास माना जाएगा यदि वह, ऑप्शन ए है विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है, ऑप्शन बी है अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, ऑप्शन सी है अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वस्थ संबंध नहीं रखता है, ऑप्शन डी है वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है यही सही है कि बालक जो है सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार जो है कर सकता है, ठीक ना, तभी उसको जो है सामाजिक रूप से पूर्ण विकास कहा जा सकता है। इसके बाद है अगला प्रश्न किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, यानी किशोरावस्था में कौन सी समस्या ज़्यादा होती है, ऑप्शन ए है वजन बढ़ाने का, ऑप्शन बी है शिक्षा की, ऑप्शन सी है समायोजन की, ऑप्शन डी है अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो इसमें जो है समायोजन जो है किशोरावस्था का बहुत बड़ा समस्या होता है, उसको जो है एक फेज से दूसरे फेज में समायोजन करने में बहुत मतलब दिक्कत होता है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह जो है मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। इसमें जो है ऑप्शन ए जो है संवेदना जो है ज्ञान की पहली सीढ़ी मानसिक विकास है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन ए है स्किनर, ऑप्शन बी है स्टेनले हॉल, ऑप्शन सी है ई ए किलपैट्रिक का, ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक का। ये जो कथन है किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन जो है स्टेनले हॉल का है। अगला प्रश्न कि निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, ऑप्शन ए है शारीरिक विकास में तीव्रता, ऑप्शन बी है मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, ऑप्शन सी है दूसरों पर निर्भरता, ऑप्शन डी है नैतिकता का होना। तो शैशवावस्था में जो है बालक में नैतिकता नहीं होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास जो है एक सामान्य नियम नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा इसमें से जो चार ऑप्शन दिया गया है विकास का एक सामान्य नियम नहीं है, ऑप्शन ए है व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, ऑप्शन बी है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, ऑप्शन सी है विकास स्नेह होता है, ऑप्शन डी है विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। यही गलत है कि विकास जो है एक सामान्य मतलब उसको जो है किसी निश्चित उम्र के बाद रुकता नहीं है, ये जो है इसका जो है विकास का सामान्य नियम नहीं है। अगला प्रश्न है कि जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, तो ऑप्शन ए है चार, ऑप्शन बी है तीन, ऑप्शन सी है दो, ऑप्शन डी है पाँच। इसका जो चार जो है सही आंसर होगा, जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है वो चार है। किस आयु समूह के लिए जो है एरिक्सन ने विकास की आठ अवस्थाएं प्रस्तावित की है, तो ऑप्शन ए है जन्म से मृत्यु तक, ऑप्शन बी है जन्म से बाल अवस्था तक,
ऑप्शन सी है जन्म से किशोरावस्था तक, ऑप्शन डी है जन्म से युवा अवस्था तक। तो ये जो है ऑप्शन ए जो है जन्म से मृत्यु तक जो है एरिक्सन के द्वारा 8 अवस्थाएं प्रस्तावित किया था इन्होंने। एरिक्सन के अनुसार जो है कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है जो दोष भावनाओं की ओर ले जा सकता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 18 माह से 3 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, ऑप्शन सी है 6 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन डी है किशोरा अवस्था। तो इसका जो ऑप्शन ए है 3 से 6 वर्ष तक जो है पहल बनाम दोष अवस्था जो है इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है खेलना, ऑप्शन बी है प्रतिवृत्ति क्रियाएं, ऑप्शन सी है चिंतन, ऑप्शन डी है दौड़ना। इसका जो ऑप्शन सी है चिंतन जो है एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा कारक है जो मानसिक विकास को जो है प्रभावित नहीं करता है? तो ऑप्शन ए है परिवार का वातावरण, ऑप्शन बी है धार्मिक वातावरण, ऑप्शन सी है परिवार की सामाजिक स्थिति, ऑप्शन डी है परिवार की आर्थिक स्थिति। इसमें जो है धार्मिक वातावरण जो है मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि बालक भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है, तो कौन सी संस्था है इसको पढ़ते हैं। ये जो है ऑप्शन ए है परिवार, ऑप्शन बी है विद्यालय, ऑप्शन सी है जनसंचार माध्यम, ऑप्शन डी है पत्र पत्रिकाएं। तो ये जो है ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। हमारे मस्तिष्क का कितना भाग चेतन है और कितना भाग अचेतन है, मतलब हमारे दिमाग का जो है कितना भाग जो है कॉन्शियस है और कितना भाग अनकॉन्शियस है। ऑप्शन ए है 1/10 और 9/10, ऑप्शन बी है 9/10 और 1/10, ऑप्शन सी है 1/10 और 7/10, ऑप्शन डी है 7/10 और 3/10। ये जो है ऑप्शन ए सही होगा 1/10 और 9/10, यानी कि जो है कॉन्शियस 1/10 और अनकॉन्शियस जो है 9/10। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? तो ऑप्शन ए है कोहलबर्ग, ऑप्शन बी है एरिक्सन, ऑप्शन सी है फ्राइड, ऑप्शन डी है पावलोव। इसका जो है ऑप्शन ए होगा कोहलबर्ग ने जो है नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत स्पष्ट किया था। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? तो ऑप्शन ए है पूर्व पारिवारिक, ऑप्शन बी है पारंपरिक, ऑप्शन सी है पश्च पारंपरिक, ऑप्शन डी है पूर्व पश्च पारंपरिक। तो इसका ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? ऑप्शन ए है कार्ल पियर्सन, ऑप्शन बी है मैकडूगल, ऑप्शन सी है मेंडल और ऑप्शन डी है पावलोव। इसमें जो है कोई भी आंसर जो है सही नहीं होगा। ये पूछा गया था भीलवाड़ा द्वितीय लेवल के तृतीय श्रेणी 2013 में। तो चूहों पर जो है प्रयोग जो किया गया था वो ब्रिजमैन ने किया था। ये याद रखिएगा कि वंशानुक्रम में जो है चूहों पर जो है प्रयोग किया गया था वो ब्रिजमैन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए है परिपक्वता, ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य, ऑप्शन डी है लंबाई तथा वजन। इसमें जो है लंबाई तथा वजन जो है भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत
बालक का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए है खुश मिजाज, ऑप्शन बी है सामाजिक, ऑप्शन सी है आसानी से चढ़ने वाला, ऑप्शन डी है ऊर्जा का स्तर। इसमें जो है आसानी से चढ़ने वाला जो होगा जो है ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? तो ऑप्शन ए है शिक्षक, ऑप्शन बी है परिवार, ऑप्शन सी है सहकर्मी, ऑप्शन डी है मित्र। इसमें जो है ऑप्शन होगा वो परिवार जो है सामाजिक संपर्क का सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है। किशोरावस्था आरंभ होती है, ऑप्शन ए है 10 वर्ष की आयु से, ऑप्शन बी है 16 वर्ष की आयु से, ऑप्शन सी है 12 वर्ष की आयु से, ऑप्शन डी है 18 वर्ष की आयु से। इसमें ऑप्शन सी जो है 12 वर्ष की अवस्था से जो है किशोरावस्था शुरू होती है। किशोरावस्था में पहचान संकट का संप्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन ए है एरिक्सन, ऑप्शन बी है ऑलपोर्ट, ऑप्शन सी है कैटल, ऑप्शन डी है फेस्टिंगर। ये जो है ऑप्शन ए जो है एरिक्सन जो है किशोरावस्था में पहचान संकट का जो है संप्रदाय दिया था। पूर्णतः प्रक्रियाशील व्यक्ति का संप्रदाय किसने दिया? ये संप्रदाय जो है ऑप्शन ए है कार्ल रोजर्स, ऑप्शन बी है सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन सी है फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन डी है युआन पावलोव। ये जो है कार्ल रोजर्स ने जो है पूर्णतः प्रक्रियाशील व्यक्ति का संप्रदाय दिया था। ये कुछ जहा नहीं रहा। तो इस तरह से जो है ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो इस वीडियो में दिए गए हैं। अगला जो है उसका प्रिंट सही नहीं होने कारण मैं नहीं बता रहा हूँ, और जैसे ही प्रिंट अच्छा हो जाएगा तो मैं आपको जो है अगले वीडियो में जो है इसको इस क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। और ये वीडियो जो है आपको जैसा भी लगा है लाइक और डिसलाइक करके जो है ज़रूर बताइए, साथ ही साथ जो है कमेंट करके भी बताइए कि आपको कैसा लगा है, साथ ही साथ शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। थैंक यू।